बिना आलू बॉयल किए हुए बिना झंझट के 5 मिनट में बनने वाली आज हम साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी लेके आए हैं। तो आज हम साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे, वो भी बिना झंझट के फटाफट बन के तैयार होगा। तो फटाफट खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम 100 ग्राम साबूदाना लिए हैं, देखिए ककोरी में है, इसी से हम नाप करेंगे सब कुछ का। तो एक ककोरी साबूदाना है, ग्राम में 100 ग्राम है, 2 लोगों के नाश्ते के लिए पर्याप्त है। एक ककोरी साबूदाना में हम इसी ककोरी से 2 ककोरी पानी डालेंगे। 2 ककोरी पानी में ये अच्छी तरह से साबूदाना फूल के तैयार हो जाता है, तो ज़्यादा पानी डाल की ज़रूरत नहीं है। 2 ककोरी पानी में एकदम अच्छे से फूल जाएगा और ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं रहेगा। इसमें 2 ककोरी पानी डाल के और कम से कम इसको 5-6 घंटे के लिए भिंगो के छोड़ दें, ताकि साबूदाना एकदम अच्छे से फूल जाए, थोड़ा भी टाइट ना रहे। ये देखिए मैंने 5 से 6 घंटे इसको भिंगो के रखा था, साबूदाना अच्छे से फूल गया है। और देखिए एक एक दाना, सब इसका एक एक अलग अलग दाना है। इसको फुला के जब फूल जाएगा तो इसको थोड़ा सा फैन में रख देना है, ताकि हवा से ये थोड़ा सा इसका पानी ख़त्म हो जाए, पानी सूख जाए। तो मैंने इसको थोड़े देर के लिए 1 घंटे के लिए हवा में रखा था फैन के नीचे। तो देखिए इसका एकदम दाना एक एक अलग अलग हो गया है। ऐसे ही इसको तैयार करना है साबूदाने को, तो इसको साइड में कर देंगे और आगे के प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए हमने 5 आलू लिए हैं, ग्राम में 150 ग्राम आलू होगा। तो इसको छील लिए हैं, अच्छे से छील के 2 पानी धो लिए हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए आलू उबालने का भी झंझट नहीं है, बिना आलू उबले भी ये साबूदाने की खिचड़ी बोल लीजिए, चाहे नाश्ता बोल लीजिए, जो भी बोल सकते हैं बोले, आराम से बन जाएगा, कोई झंझट की करने की ज़रूरत नहीं है। और आलू को देखिए ऐसे कट के लगाना है, ऐसे काट के, ऐसे बीच से कट के लगाएंगे, ऐसे फिर ऐसे कट लगा लेंगे और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में गोल गोल काटना है, ऐसे ताकि ऐसे पीसेस तैयार हो। तो ऐसे ही हम आलू को काट लेंगे, आलू को फटाफट काट लेते हैं। ये देखिए आलू को हमने काट लिया है, ऐसे ही पीसेस काटना है इसके आलू का। और मिर्ची हमने 3 लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची लें। मिर्ची हमारी ज़्यादा तीखी नहीं, इसलिए हमने 3 मिर्ची लिया है। तो मिर्ची को ऐसे काटेंगे, दिखाती हूँ। मिर्ची को ऐसे बारीक बारीक काट लें। अगर आपको बारीक ऐसे मिर्ची पसंद नहीं है कि दांत तक पड़ जाएगा मिर्ची, तो आप ऐसे लंबा लंबा कट करके डाल सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। ऐसे लंबा कट कर लें, ऐसे बीच से फाड़ें, इधर से भी दोनों तरफ से ऐसे फाड़ दें, ऐसे ऐसे भी इस मिर्ची बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप छोटा छोटा काट के डालें। ये देखिए हमारा आलू मिर्ची तैयार है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ आगे के प्रोसेस में। नाश्ता बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रख दिया है। आप कोई भी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टॉक में ही बना सकते हैं। उसमें मैं सनफ्लावर तेल डाल रही हूँ, इसको रिफाइंड तेल में चाहे घी में बनाएं, सरसों के तेल में अच्छा नहीं लगता है इसका टेस्ट। मैं सनफ्लावर तेल में बनाया, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो घी में बनाए, देसी घी में। इसमें 1/2 चम्मच जीरा का तड़का लगाएंगे, तड़का को तड़कने देंगे। तड़का तड़क गया है, इसमें कढ़ी पत्ता डालेंगे, मिर्ची डाल देंगे इसी में, मिर्ची को थोड़ा तड़कने देंगे। मिर्ची तड़क गया है, इसमें कटा हुआ आलू डालेंगे, आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे, चला चला के फ्राई करना है। आलू फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें, ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो। आलू फ्राई करते समय नमक डाल देंगे, ताकि आलू का टेस्ट बढ़ जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 चम्मच देखिए हमारा छोटा चम्मच, 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं,
जितना साबुदाना हम भिगोए हैं उतने साबुदाना के लिए एक चम्मच नमक पर्याप्त है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चला चला के अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि हल्का गोल्डन कलर का ना हो जाए। आलू को मीडियम फ्लेम पर चला चला के इसे फ्राई कर लिए हैं। देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे हम ढक देंगे। देखिए थोड़ा सा ही बस 2-3 चम्मच पानी डाला है मैंने ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे ढक के और सॉफ्ट कर लेंगे 5 मिनट ढक के और इसे पका लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। आलू को ढक के 5 मिनट हो गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं आलू। ऐसे आलू को एक निकालेंगे और इस पर ऐसे चेक कर लेंगे। देखिए आलू कितना सॉफ्ट हो गया है। आलू हमारा अच्छे से पक गया है। इसको अच्छे से ऐसे चला लेंगे ताकि किधर चिपका ना रहे। और इसमें साबुदाना ऐड करेंगे। एक बात का खास ध्यान रखें, साबुदाना फूल जाने के बाद उसको फैन में ज़रूर हवा दे दें ताकि साबुदाना अलग अलग हो जाए। देखिए साबुदाना हमारा कितना अच्छा फूला है। ये देखिए देखिए एक दिन थोड़ा भी साबुदाना टाइट नहीं है, अच्छे से फूला है। और देखिए इसका दाना सब इतना अलग अलग है। देखिए मैं गिरा रही हूँ तो कितना अलग अलग इसका दाना गिर रहा है। पूरा दाना इसका अलग अलग है। ऐसे ही साबुदाना को तैयार करना है भिंगो के ताकि हमारा साबुदाने का नाश्ता चाहे खिचड़ी अच्छा बने, थोड़ा भी चिपके ना। इसे डाल के और अच्छे से चलाना है। बराबर इसको चला के मिक्स करेंगे और बराबर चलाते रहेंगे। इसमें एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर डालें, वो भी नहीं है तो नींबू का रस निचोड़ दें। और इसको ऐसे ऐसे हाथ से डालना है ताकि चारों तरफ मिक्स हो जाए, एक तरफ चिपके ना। और इसको मिलाते जाना है। चाट मसाला का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। देखो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बराबर चलाते रहेंगे। चला चला के इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है साबुदाने को। मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे लो फ्लेम पर ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए बीच में मैंने एक बार ढक के इसको 2 मिनट के लिए पकाया था और देखिए ये पक गया है अच्छे से साबुदाना। इसको बीच बीच में चला चला के अच्छे से पकाएं। साबुदाना पक गया। इसमें थोड़ा सा हम मूँगफली डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मूँगफली को मैंने पहले से ही भून के और इसका छिलका उतार लिया है और ऐसे अलग अलग थोड़े टुकड़े टुकड़े में कर दें। इसमें ऐसे डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मूँगफली का। डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा साबुदाना का नाश्ता कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। थोड़ा भी चिपका नहीं है, अलग अलग है। देखिए मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना अलग अलग है। तो ऐसे ही नाश्ता बना के तैयार करना है। इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म साबुदाने का नाश्ता बन के तैयार है। इस नाश्ते को आप फटाफट बना के खा सकते हैं। सुबह के जल्दी में है तभी भी ये नाश्ता फटाफट बन के तैयार हो जाता है, ना कि इसमें आलू बॉयल करने का भी झंझट नहीं है। आप चाहें तो ऐसे ही आलू को कट करके साबुदाने का नाश्ता बना के खाइए। फटाफट खाइए और बच्चों को खिलाइए। बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे इस नाश्ते को। और आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।